क्या भैया कहाँ ले जा रहे हो मेरे को आप? का नोट मेरे साथ में रख सकते हो, बाकी नोट साथ में रख दीजिए। हेलो गाइस, आपका स्वागत है एआरबी में। सो गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग सोशल एक्सपेरिमेंट वीडियो। सो गाइस, जैसे आप थंबनेल से देख ही चुके होंगे, आज मैं ब्लाइंड मैन सोशल एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, वो भी गाइस पब्लिक में। सो गाइस, आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे रिएक्शन हो। मैं उम्मीद नहीं करता हूँ गाइस कोई भी नेगेटिव रोल हो, क्योंकि गाइस मैं अंधा वाला रोल कर रहा हूँ। और गाइस देखते हैं कि कितने लोग मेरी हेल्प करते हैं, कितने लोग मेरे साथ फ्रॉड करते हैं। कुछ भी हो सकता है गाइस इस वीडियो में, तो प्लीज़ आप हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहना। अगर आप मेरी वीडियो को जरा सी भी स्किप कर दोगे तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। ना गाइस, तो वीडियो हमारे साथ बने रहना। ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं गाइस वीडियो की तरफ। अपने भाई को प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए, लाइक कमेंट शेयर। अपने भाई का चैनल है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय। कोई है? कोई है भाई? हाँ भैया। कोई है? कहाँ से हो भाई? कहाँ हो भाई? इधर ही हूँ। दिख नहीं रहा यार, कहाँ हो आप? इधर। कहाँ बैठे? यहीं बैठे थे क्या आप? हाँ भैया, यहीं बैठे हुए। जगह है क्या बैठने की? आप बैठ सकते हो या फिर कोई है यहाँ पे? नहीं, आप बैठ जाइए। बैठ जाऊँ? बैठ जाइए, बैठ जाइए। वो दिखाई नहीं पड़ता ना मेरे को, वैसे मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे? जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी भैया। क्या? वो दरअसल मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो आपको ना मुझे 10 का नोट समझ में नहीं आ रहा कौन सा है। तो मेरे पास 100 के टूटे हैं, 100 के टूटे हैं, तो इसमें से 20 का नोट दे दो। 10 का नहीं, मुझे 20 का नोट दे दो मेरे को। मुझे कुछ खाना पीना है, देख लीजिए ये नोट है। दो भैया। भाई ये 100 के टूटे नहीं है, ये 1000 के टूटे हैं। 1000 के टूटे हैं? हाँ। आप झूठ बोल रहे हो, 100 के टूटे हैं वो। नहीं, ये 1000 के टूटे हैं और उसमें 30 रुपये आपके कम है। 30 रुपये कम है? 1000 के कहाँ से आ गए मेरे पास? आप तो नहीं, आपने तो नहीं मिला है? नहीं नहीं नहीं, आपके पास पहले से ही 1000 के टूटे थे। अच्छा, तो भैया मुझे इसमें मतलब कि 20 रुपये रख दो, मैं कुछ खाऊंगा। ये लीजिए 20 रुपये आपके, और ये आपके बाकी रुपये। ये कितने का है? ये 20 का है। 20 का है? हाँ। और ये? ये बाकी आपके रुपए जो बचे हुए थे वो है। 100 के टूटे हैं ना? हाँ। ये आप तो मजाक कर रहे हो ना मेरे से, मुझे पता नहीं, है। नहीं नहीं, ये 1000 के टूटे हैं। 1000 के टूटे हैं? हाँ। पता नहीं मेरे पास कहाँ से आ गए, मुझे लगा 100 के हैं। नहीं नहीं, 1000 के हैं वो। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ रख, सॉरी जिम में रख लेता हूँ कि अब की बार मतलब कि मुझे धोखा ना हो जाए। और ये वाला नोट यहाँ रखता हूँ। वो दरअसल भैया ऐसा मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता ना अभी, मेरी छड़ी कहाँ गई? छड़ी नहीं दिख रही। आपकी है ठीक है सर। फिर भैया मैं चलता हूँ, थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक ठीक है। जगह काम मुझे समझ में नहीं आया, मैं कहाँ बैठूँ? उठ जाइए, उठ जाइए। कहाँ जाना भैया, रास्ता बता दो मेरे को कुछ। रास्ता भैया उधर है, उधर से आपको जाना। किधर? उधर। आप ले, मुझे दिखाई नहीं पड़ता भाई, आप रास्ता बता रहे मेरे को, दिखाई तो नहीं पड़ता मेरे को, बताते रहो मेरे को आप रास्ता कहाँ को है। यहाँ से आप ऊपर चढ़िए। कहाँ से? इधर थोड़ा और आगे बढ़िए। यहाँ? हाँ यहाँ यहाँ यहाँ। कोई है? कोई है? कोई नहीं है। आप कहाँ पर हो? आपके पास ही खड़े। दरअसल आप मेरी एक हेल्प कर सकते हो? तो मतलब कि मुझे कुछ खाना पीना है, तो आप मेरे को मतलब कि 50 का नोट मेरे साथ में रख सकते हो, बाकी नोट साथ में रख दीजिए। अरे मैं यूट्यूब पर छोटू यार। अच्छा अच्छा सुन लीजिए, मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ। कोई है भैया? कोई है यहाँ पे भैया? कोई है यहाँ पे? क्या हुआ भैया? कहाँ हो भैया आप? आओ इधर आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे थोड़ा सा काम था। क्या कर रहे हो आप? नहीं नहीं, बैठे थे हम लोग। बैठे थे हम लोग। बैठ सकता हूँ मैं? बैठो बैठो। नहीं, आप भी बैठ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, बैठो बैठो, आप बैठो। आप
इधर 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 देख देख इधर इधर बैठो। क्या समस्या आपको, क्या दिक्कत है? दरअसल आपसे काम था मेरे को। क्या दिक्कत? मतलब कि हेल्प कर दीजिए मेरी थोड़ी सी। मेरे पास 200 के ना टूटे हैं, तो मुझे पता नहीं है, दिखता तो है नहीं मेरे को, मैं धंधा हूँ ना, दिखता नहीं है। तो एक काम कर दीजिए, मतलब कि मुझे वो पानी नहीं कुछ पीना, खाना पीना, भूख लगी, मैंने सुबह कुछ नहीं खाया, तो मुझे 100 का नोट या फिर 20 का नोट रख दो साथ में, और बाकी नोट साथ में रख दीजिए आप, पकड़ लीजिए। पता नहीं कितने के, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कितने 200 के टूटे हैं। मैंने एक सभी पूछा तो वो कह रहे 200 के टूटे हैं। दे दी तो आपको कितने के चाहिए? मुझे 20 का नोट ना इसमें चाहिए, और बाकी नोट इसमें रख दीजिए। फिर मैं इस जो मेरे पास 20 का नोट होगा ना वो मैं अलग रख लूँगा, और बाकी नोट मैं इसमें रख लूँगा। रख दीजिए ये वाले इस हाथ में, दे दीजिए 20 वाला इस हाथ में, दे दीजिए दीजिए ये आपके हाथ में 20 वाला ये, और बाकी बचे ये। ये 20 का है या फिर ये 20 का? ये 20 का है। ये 20 का है जी। अच्छा, 10-10 के नहीं है क्या मेरे पास? नहीं 10-10 के आपके पास नहीं। आपने देखे हैं क्या? हाँ, देखे हैं। कितने हैं वैसे? 200 को तो है ना मेरे पास टूटे। जी 200 के हैं जी। अच्छा ठीक है, मैं इसको यहाँ से लग लेता हूँ। हाँ, ये 20 वाला इधर। अच्छा ठीक है, आप मुझे बाद तक वहाँ तक छोड़ सकते हैं थोड़ा दूर तक? मैं आराम से सड़क निकल जाऊँगा। जी चलिए छोड़ दीजिए, इधर जाइए। क्या भैया कहाँ ले जा रहे हो मेरे को आप? देख भैया चलिए। कोई है भैया? भैया कोई है भैया? कौन? कोई है यहाँ पे? हाँ बताओ। कहाँ भैया आप लोग? इधर हैं। कहाँ भैया आप लोग? इधर पेड़ आ गया। मेरी डंडी चुर गई, पता आपको? डंडी मुझे किसी ने दी है, डंडी नहीं है मेरे पास। इधर बैठ जाए तो ना, वो खड़े नीचे ने आगे थोड़ा आगे बढ़ गए। भैया आप लोग मेरी एक हेल्प कर सकते हो क्या? यहाँ कुछ है क्या साइड में? नहीं। सरक जाऊँ? सरक जाऊँ। तो मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए थी। क्या? कि मेरे पास ना 200 के नोट है, टूटे हैं उसके 200 के टूटे हैं, तो आप मेरे को ना उसमें से 50 का जो नोट होगा ना इस हाथ में रख दीजिए, और बाकी नोट है ना इस हाथ में रख दीजिए, क्योंकि मुझे मतलब कुछ खाना पीना है। तो अब मैं अभी जाऊँगा कहीं पर भी, तो क्या पता कोई मैं अपनी जेब से ज़्यादा रुपये निकाल के दे दूँ। वैसे मैं थोड़ा सा मुझे ज्ञान नहीं ना इन सब चीज़ों की, पैसे ऐसे की मुझे मिल जाते मैं इकट्ठा ही रख लेता हूँ, यही सबसे बड़ी मेरी गलती हो जाती है। तो प्लीज़ आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए, और 50 मिनट के साथ में रख दीजिए, बाकी मिनट के साथ में रख दीजिए। पैसे दूँ आपको? दो। लेकिन तो नहीं भागोगे आप? ऐसा नहीं है, करना पड़ेगा। मुझे पता ही नहीं कितने के हैं। एक उन्होंने बोला भाई 200 का है, तो 200 के टूटे हैं, तो मैंने कहा भाई 200 के ही होंगे टूटे। नहीं भाई ये ज़्यादा रुपए हैं, एक 500 का है, एक 500 का है, 200 का है, 100 का है, 50 का है, 100 के दो हैं, 50 का, 20 का है। सही बताइए। ज़्यादा रुपए हैं ये, आप 50 रुपये साथ में रख लो, और जी आप 500 दो 700 920 रुपये जा रुपये रख लो। इसमें कितने भैया ये? जी 920 रुपये जी हैं, 50 रुपये जी हैं। 920 है? 970 है। 970 रुपये हैं। 970 है? 970 रुपये भैया कह रहे थे 920। 920 रुपये इसमें है, 50 रुपये इसमें, 970 रुपये टोटल। टोटल आप बता रहे थे 200 रुपये, आपके ज़्यादा रुपए हैं। ज़्यादा रुपए हैं? अच्छा जी, थैंक यू सो मच भैया। इसमें कितने का है सारे? इसमें कितने? 50 का है, 100 का है? 50 का नोट है। 50 का है इसमें, मैं इसमें रख लेता हूँ। अब मैं कहूँ जाऊँगा ना, कम से कम बता सकता हूँ कि भैया मुझे दे दो, क्या पता ना कम ज़्यादा रुपये दे दिए, मैंने कम निकाल के ज़्यादा दे दिए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया, वरना तो फिर मैं थक जाता है। वैसे मैं बाहर जा रहा था, पार्क में बहुत देर से बैठा हुआ था, मेरा एक दोस्त था, मतलब कि वो भी मेरी तरह ब्लाइंड ही है, तो पता नहीं इधर उधर चला गया, एक लोग ले गया था उनको। ब्लाइंड हो? हाँ भैया। श्योर? हाँ। ये कितनी है? आपका हाथ कहाँ पे? ये तो बताओ आप, आपका हाथ कहाँ है? सॉरी। अच्छा भैया मुझे बात छोड़ सकते हो आप? चलिए हाँ जाओ।
भाई छोड़ गया ना अच्छे से। कहाँ जाऊँ भैया मैं? सीधे चलो। हाय गाइस, तो मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। वो बच्चा था और मैंने सोचा कि वो पैसा लेगा और वापस भी कर देगा, उसने करा ही नहीं वापस, वो भाग गया लेके। हमारी टीम तो मतलब कि इसको काफ़ी देर तक पीछा करती रही, वो बंदा पता नहीं कहाँ अचानक से गायब हो गया और हमारे काफ़ी सारे पैसे चले गए और उसने खाली एक नोट रखा मेरे हाथ में, आप लोगों ने देखा ही होगा, और बाकी रुपये वो अपने साथ लेके चला गया। तो गाइस ये चीज़ मुझे बहुत गलत लगी कि बच्चों के अंदर ऐसी मानसिकता बहुत गलत चीज़ है। तो गाइस बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं हम लोग आप लोगों की वजह से, और गाइस बहुत बुरा भी लग रहा है कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो गया, हमारे काफ़ी सारे पैसे भी चले गए और अभी तो यूट्यूब से कुछ इनकम तो आ नहीं रही है। तो गाइस बस मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूँगा, हम आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए आप लोगों से और बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। गाइस जितने भी ये मानसिकता वाले बच्चे हैं या फिर बड़े हैं, तो गाइस उनको थोड़ी समझ दीजिए कि ऐसा ना करें। अगर कोई अगर अंधा है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसे 10-5 रुपये एक्स्ट्रा दे देनी चाहिए, लेकिन कभी भी उनसे कभी 1 रुपये लेना ना गाइस। तो चलिए कोई बात नहीं, हमारे साथ जो हुआ सो हुआ गाइस, आगे जाके किसी के साथ भी ना हो। तो गाइस ये वीडियो सबको शेयर करें और सबको बताएं, ऐसा कभी भी किसी के साथ ना करें, खासकर जो हैंडीकैप होते हैं, जो मतलब कि अंधे होते हैं, जो चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते, उनकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए। इन्हें गाइस तो ज़्यादा बात ना करते हुए गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। और गाइस सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बुरा लग रहा है। गाइस आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को, प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और गाइस मुझे आगे बढ़ाइए। जय हिंद जय भारत, चलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो की तरफ, बाय।